हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ओम श्लोक क्या होता है। तो देखिए, ओम श्लोक को हम लोग समझेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ओम श्लोक क्यों इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्लास टेंथ में हो अभी, और क्लास टेंथ के बच्चों के लिए जो है, CBSE हो, HBSE हो, हरियाणा बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड है, तो ओम्स लॉ जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्लास टेंथ के बच्चों के लिए। तो मैं क्लास टेंथ का एक टॉपिक है जो कि है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से ओम्स लॉ आप लोगों का बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, और 5-10 मिनट का क्लास है, इसमें मैं आपको ओम्स लॉ बिल्कुल अच्छा तरीके से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक नए हो हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं जो हूँ आप लोगों के लिए अब ऐसे ही वीडियो जो है लाता रहूँगा, और क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को एक कम्प्लीट क्लास 11th and 12th का जो है वीडियो मिलता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। रेगुलर हम लोग इस पे वीडियो डालने वाले हैं अब लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ओम्स अंकल जो थे एक, वो क्या करते, मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मतलब पहले से लोगों को पता था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, एक वोल्टेज होता था। वोल्ट जैसे कि अभी आप लोगों को क्या करते हो कि घर में हो और आपका जो लाइट है वो डिम जल रहा है, मतलब ज़्यादा रोशनी नहीं दे रहा है, या फिर पंखा जो है स्लो चलने लग जाता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि भाई यार ये तो अपना मतलब जो है वोल्टेज कम है, ये नहीं चल रहा है, वोल्टेज कम है, फ्रिज नहीं चलेगा, अभी बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो ये वोल्टेज कम है, इससे रिलेशन इस पंखे का चलने का क्या हुआ, मतलब पंखा तो भाई करंट पे चलता है, करंट तो मिल ही रहा है, लेकिन ये वोल्टेज कम है तो पंखा स्लो चल रहा है, वोल्टेज कम है तो फ्रिज नहीं चलेगा, वोल्टेज कम है तो लाइट में ज़्यादा रोशनी नहीं देगा, ये क्या चक्कर क्या है भाई। तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया और कहा ये जो वोल्ट होता है, वोल्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। ये जो वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो आई के, किसके, आई के। ऐसा कहा था ओम संकल ने, क्या कहा था कि वोल्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। आई क्या है भैया, यहां पे आई है आपका करंट, क्या है, करंट। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था ओम्स भैया ने, ओम्स अंकल ने, जो भी समझ लो, ठीक है। तो ये भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ ये, अगर इफ वोल्ट इज इंक्रीजेज देन करंट इज ऑल्सो इंक्रीज, इफ वोल्ट इज डिक्रीजेज देन करेंट इज ऑल्सो डिक्रीजेज। तो अब आया समझ में कि क्यों हमारा जो पंखा है वो मतलब स्लो क्यों चलने लग जाता है जब वोल्टेज कम होता है, तो हमारा फ्रिज क्यों नहीं चलता है जब वोल्टेज कम हो जाता है, तो क्योंकि जब हमारा वोल्टेज कम होता है तो करेंट भी कम जाता है, और करेंट जब कम जाएगा तो आप लोग जानते ही हो, सब तो हो जाता है, सब ठीक है। तो इतना ठीक है, ये वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ऐसा कहा था ओम्स लॉ ने। अगर हम इसका लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के अनुसार होता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखना चाहो तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करेंट जो होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन अ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर। जैसे कि अगर ये एक कंडक्टर है, तार है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस का काम होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाना, ठीक है, वर्क डन जो करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को ले जाना है तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, जिसे हम लोग कहते हैं भी
तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो ये कंडक्टर है, ये एक तार है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट आई है जो इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये जो आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि इस कंडक्टर के अंदर अप्लाइड किया गया है, अप्लाई किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो जैसे जैसे हम इसका, अगर इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि क्षमता, क्या होता है क्षमता यानी कि ताकत, इसके पास जितना ज़्यादा ताकत रहेगा वो इतना यहाँ से चार्ज ले जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज जाएगा तो चार्ज का फ्लोइंग रेट को हम लोग क्या कहते हैं, करेंट कहते हैं। ये चार्ज को ले जाने का काम करता है। जान देखे होंगे आप लोग कि वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे में क्यू होता है। तो ये अगर बढ़ेगा तो ये ज़्यादा चार्ज को ले जाएगा, ज़्यादा चार्ज मतलब ये अब क्या करेगा, ज़्यादा चार्ज को ले जाएगा। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, यहाँ पे आई को बढ़ाएगा, ठीक है, करंट को बढ़ाएगा। अब जैसे ये अप्लाई कर रहे हैं करंट बढ़ रहा है, जैसे ये अप्लाई कर रहे हैं करंट बढ़ रहा है। तो यही हमें ओम्स लॉ ने कहा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड एंड प्रोवाइडिंग फिजिकल कंडीशन। और तो और इसमें जो प्रोवाइड किया गया होगा फिजिकल कंडीशन, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ तो फिजिकल कंडीशन दिया होगा कि भाई इसका टेम्परेचर जो है इतना से ज़्यादा होगा तो तार जल जाएगा, या इसका टेम्परेचर जो है अगर इस तरह से कम होगा तो तार नहीं जलेगा। तो ये क्या हो गया, इसका फिजिकल कंडीशन। तो फिजिकल कंडीशन अनचेंज होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इस पे कहा था ओम्स लॉ ने कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो वोल्ट के, किस सॉरी करंट जो फ्लो हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो वोल्ट के, तो वोल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन वो जो कंडक्टर है उसका जो फिजिकल कंडीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे उसका टेम्परेचर अगर वो इतना है तो उतना ही पे रहना चाहिए, यानी कि कम ज़्यादा कर देगा। अगर टेम्परेचर हम लोग कम ज़्यादा कर देंगे, इसका फिजिकल कंडीशन तार का चेंज कर दिए, जैसे इसका लेंथ बढ़ा दिए या फिर इसका मोटाई तार का बढ़ा दिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिए, तो ये जो है फिर काम नहीं करेगा, ठीक है, तब वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए तब, ठीक है। तो ऐसा कहा था किसने, ऐसा कहा था ओम्स लॉ ने। तो आई होप ये समझ गए होगे कि ओम्स लॉ ने क्या कहा था। अब हम आगे देखते हैं कि ओम्स लॉ का बात हम लोग तो समझ गए, ओम्स लॉ क्या कहते थे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तक हमने देखा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अच्छा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे आई भी बढ़ेगा, वी घटेगा तो आई भी घटेगा, है कि नहीं। मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब अगर ये मान के चलो इसका ये है चार और ये है छः, ठीक है, अब ये चार से हो गया छः तो ये हो जाएगा छः से आठ, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, ये छः से हो गया दस तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये चार बढ़ा तो चार ये भी बढ़ेगा तो ये बारह हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में देखो तो मतलब कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, कितना का अंतर है ये, अगर हम अंतर देखते हैं तो अभी दो का अंतर है, अभी अंतर देखते हैं तो दो का अंतर है, अभी देखते हैं तो दो का अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो अंतर है। तो ये जो है ये एक कॉन्स्टेंट अंतर है, ये अंतर जो आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कॉन्स्टेंट आ रहा है, मतलब दो दो का अंतर। तो इसका मतलब अगर इसका वैल्यू कुछ भी हो और आई का वैल्यू कुछ भी हो, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। ये अगर छः है तो ये चार, ये आठ है तो ये छः, ये दस है तो ये आठ, मतलब अंतर तो कुछ होगा, आगे पीछे तो कुछ होंगे होंगे। तो वो अंतर को हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि भी इसको हटा दिए और यहाँ पे लगा दिए इक्वल टू, और इसको हटाने के बाद जो अंतर आ रहा होगा वो हम लोगों ने आर डाल दिया और ये आई डाल दिया। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या है, कॉन्स्टेंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। ये वी इज इक्वल टू आर आई, आर इज अ इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। आई होप कि समझ गए होगे ये क्या है, अंतर को मिटाने वाला। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल तो था नहीं, ये आगे था ये पीछे था, या हो सकता है ये आगे होगा ये वाला पीछे होगा, तो ये बराबर तो हो नहीं सकता था, तो मुझे बराबर करना था दोनों का। तो जो कॉन्स्टेंट था, जो दोनों के बीच में अंतर था, उसे मैंने यहाँ पे लगा दिया और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। इस इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का ही नाम है, इस इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का ही क्या नाम है, रेजिस्टेंस। क्या नाम है, रेजिस्टेंस। इस इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का क्या नाम है, इस इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है, रेजिस्टेंस। तो
आप लोग समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस है, हम लोग देखेंगे तो ओम्स लॉ यही कहते हैं। अब मैं थोड़ा इसको बढ़िया से अगर आपको बताऊं तो थोड़ा मैं इसे मिटाता हूं और फिर एक बार बढ़िया से लिख करके आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ओम्स लॉ तो आप लोग समझ ही गए हो कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ कहते हैं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और हम लोगों ने प्रोपोर्शनल को हटा दिया था और इक्वल टू लगा दिया था, और जो अंतर था वो आर था और ये आई था, और ये क्या था, ये कॉन्स्टेंट था, ये कभी चेंज नहीं होता, ये क्या था, कॉन्स्टेंट था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। अब आप लोग देखो, जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलता है आपको, R इज इक्वल टू V अपॉन में I मिलेगा या नहीं मिलेगा। R इज इक्वल टू V अपॉन में I मिलेगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे अगर गौर से देखो तो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है I के। इफ आई को इंक्रीज करते हैं तो आर डिक्रीज हो जाएगा। सर कैसे कैसे हो जाएगा इंक्रीज डिक्रीज, तो देखो अगर मान के चलो कि आई बराबर अपना है चार, ठीक है, और फिर हम आर को निकालते हैं तो आर इज इक्वल टू ये क्या है, अभी इसको लेके चलते हैं, ठीक है, वन अपॉन में आई, और आई की जगह पर हम लोग रख दिए चार, तो ये हो गया इतना। अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो क्या आएगा, 0.2 और भी कुछ आएगा, ठीक है, 0.2, और फिर आप लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, आई को बढ़ा दिया, आई को बढ़ा करके 6 कर दिया, तो आर इज इक्वल टू 1/6, ऐसे काटेंगे तो 0. क्या आ जाएगा, 6 × 1 = 6, फिर बचेगा 6 × 5 = 35, तो देखो ये आ रहा है। तो बताओ ये बड़ा या ये बड़ा, भैया बड़ा तो ये वाला है, इसका मतलब आई को हम लोगों ने अगर बढ़ाया, सॉरी भैया बड़ा तो ये वाला है, इसका मतलब क्या हुआ, आई को हम लोगों ने बढ़ाया तो आर भाई साहब क्या हो गए, आर भाई साहब कम हो गए, आई बढ़ेगा तो आर क्या होगा, कमेगा, ठीक है। कितना कमेगा अब वो भी देख लेते हैं, ठीक है, देखो इतना तो समझ गए, आई बढ़ेगा तो आर कमेगा, और इफ़ आई घटेगा तो आर बढ़ेगा, उल्टा, ठीक है ना, आई आर इंक्रीज करेगा कब, जब आई डिक्रीज करेगा, उल्टा होगा, ठीक है ना, आर डिक्रीज करेगा कब, जब आई इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम आप लोग देख लो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब जो है अगर इसे आई को हाफ कर दिया जाए, आई को हाफ कर दिया जाए, अभी आई है और थोड़ी देर बाद आई को आधा कर दिया जाए तो आर कितना इंक्रीज होगा, चलो करके देख लेते हैं। अगर आपसे कहे कि एक कंडक्टर में आई को हम लोगों ने, आई जो है हमारा करंट जो है, करंट को हम लोगों ने हाफ कर दिया, आई इज इक्वल टू 1/2 I कर दिया, ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना बढ़ेगा, ये कम रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन कितना बढ़ेगा, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई होता है, R इज इक्वल टू भी आई को हम लोगों ने 1/2 I का I बाई टू कर दिया था, ये ऊपर चला जाएगा तो R इज इक्वल टू 2V अपॉन में I हो जाएगा। तो ये जो आप लोग देख रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि R और ये तो हमारा R था ही, तो R और ये 2, इसका मतलब R जो है वो कितना बढ़ गया, तो 2 times बढ़ गया, है ना। इफ़ I इज हाफ देन R इज डबल, ठीक है ना, अगर आई आधा होगा तो आर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये चीज़ हम लोगों ने समझा। अगर आई को 2 times कर दिया जाए, आई को 2 times कर दिया जाए तो आर क्या हो जाएगा, आर आधा हो जाएगा, करके आप लोग देखना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा बता दूं आपको कि आर रेजिस्टेंस है और आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन में आई होता है, और वी का क्या होता है, वी अपॉन में आई, और आर का जो एसआई मात्रक होता है, आई का एसआई यूनिट, आई आर का एसआई यूनिट ओम होता है, क्या होता है, ओम, क्यों होता है ओम भैया, क्योंकि इसे ओम भैया ओम अंकल ने दिए थे, इसीलिए इसका जो है वो ओम हो जाता है, ठीक है, इसे ओम अंकल ने दिए थे इसके लिए इसका एसआई मात्रक क्या हो जाता है, ओम, और इसको इस टाइप से कुछ सिबलिंग के तरीके से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा ओम हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कोई ज़्यादा भारी भरकम चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है जो कि आप लोग आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, फिर अगर आप लोग कहोगे तो ये रेजिस्टेंस के बारे में भैया और बताइए, तो मैं रेजिस्टेंस के बारे में और भी आपको बता दूंगा। तो इतना आज की क्लास में, ओम्स लॉ समझ गए, ओम्स लॉ क्या कहता है, एक बार और रिवीजन कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। जो कंडक्टर के एंड्स में जो अप्लाई किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड द फिजिकल कंडीशन इज अनचेंज। और जो इसका कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन होगा वो क्या होगा अनचेंज होगा, वो चेंज नहीं होता होगा। ठीक है, तो इस टाइप से इन्होंने दिया था। और भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी इजकल टू आर आई, और इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया। और हम लोगों ने देखा कि आर जो है आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आई बढ़ेगा तो आर घटेगा। ठीक है, इस टाइप से कुछ हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं और बता दूँ, तो ये मतलब आई बढ़ेगा आर घटेगा, ये आर जो है ना, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो है ये तो हम लोग ऐसे देख लिए, लेकिन ये हमें फॉर्मूला दे देता है जब आर निकालने के लिए कहता है। लेकिन आर जो है, आर मैं बता दूं आप लोगों को, आर ना तो भी पे डिपेंड करता है ना आई पे डिपेंड करता है, क्योंकि आर जो है वो क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आई ना तो भी पे डिपेंड करता है ना तो आई पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों कहे भैया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? ऐसा मैंने इसलिए कहा कि अगर मतलब करेंट को कम कर देते हैं ना, और फिर हमें आर कहता है निकालने के लिए, अगर करंट आधा हो गया तो आर कितना रहेगा, करंट दोगुना हो गया तो आर कितना रहेगा, उस केस में हम लोग ऐसे करते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर किस पे डिपेंड करता है, आर रेजिस्टेंस, तो आपको जवाब देना है ना तो वो भी पे डिपेंड करता है ना तो आई पे डिपेंड करता है। तो सर ये आर डिपेंड कैसे करता है? तो आर किस पे डिपेंड करता है जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको लगता है वो जानना जरूरी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको वो जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारा ओम्स लॉ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ था। आई होप कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेगी कल की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में तो नहीं कह सकता लेकिन नेक्स्ट क्लास में कहूँगा। तो ये ठीक है, हमारा ओम्स लॉ हम लोगों ने समझ लिया। बहुत ईजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा ओम्स लॉ भारी भरकम चीज़ नहीं था। और फिर मिलेगी कल की क्लास में।